हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं सबराज और आज हम बात करने वाले हैं स्टाइलिंग टिप्स फॉर थिन मेन। नाउ मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई थी कुछ वीडियोस के अंदर कि थिन लोगों के लिए वीडियो बनाओ, पतले लोगों की स्टाइलिंग के लिए वीडियो बनाओ, तो आज मेरे को बनानी पड़ी। तो जो आज हमने वीडियो बनाई है थिन बॉयज़ पर बनाई है कि पतले लोग कैसे अच्छे से जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं, कैसे अच्छे से ड्रेस कर सकते हैं अच्छे लगने के लिए। ना मैं खुद एक पतला ही हूँ, मतलब पतले लोगों में ही आता हूँ, तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत ही चीज़ें पता है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपके लिए अगर आप पतले हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना। तो जो पहली चीज़ है, ये एक टिप नहीं है, ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि वर्कआउट करना आप चालू कर दो, थोड़ा सा अच्छा खाना, थोड़ा सा डाइट अपनी बेहतर कर लो, ये आपको जो है हेल्प करेगा अच्छे दिखने में। क्योंकि जब आपकी फिजिक अच्छी होगी, थोड़ी पहले से बेटर होगी, तो जो आप पहनोगे वो अच्छा लगेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्कआउट अगर कर सकते हो तो करना चालू कर दो। तो जो पहली टिप है वो है राइट साइज़, वियर योर राइट साइज़। ना बहुत सारे जो मोटे लोग होते हैं वो जो है बहुत टाइट चीज़ें पहनते हैं, और जो बहुत सारे पतले लोग होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा खुले कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा मत करो, खुले कपड़े मत पहनो, अपना साइज़ ही पहनो। अगर आप मीडियम हो, एम हो तो एम पहनो, अगर एस हो तो एस ही पहनो। एस हो तो ऐसा नहीं कि मोटे लगने के लिए या फिर बड़े ऐसे थोड़े हैवी लगने के लिए आप बैगी क्लोथ्स पहनो, जो ऐसे क्लोथ्स पहनो जो आपको अनफिट हैं, जो फिट नहीं होते, थोड़े से मोटे लगते हैं, फिर आप ऐसा लगेगा कि अपने पापा के कपड़े पहन के घूम रहे हो। तो अगर ऐसा आपको नहीं लगना है कि आप अपने पापा के कपड़े पहन के घूम रहे हो, तो अपने साइज़ वाले कपड़े ही पहनो, वही कपड़े पहनो जो आपको फिट होते हैं, आपके साइज़ वाले हैं। अगर एम हो तो एम पहनो, एस हो तो एस पहनो, कोई टेंशन नहीं है, अपने साइज़ ही पहनो। सेकेंड टिप है हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट्स और शर्ट्स पहनो। जैसे मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाली टी शर्ट पहनी हुई है, वैसा कुछ ना। जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाली चीज़ें पहनते हो, टी शर्ट हो गई ऐसी चीज़ें, तो आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड दिखाती हैं विजुअली। तो ये सब विजुअली होता है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन फ़र्क ज़रूर होता है। और इसके साथ साथ अवॉइड करो वर्टिकल स्ट्राइप्स। जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाएगी, वर्टिकल स्ट्राइप्स आपको बहुत ज़्यादा लंबा और ज़्यादा थिन दिखाएंगी, तो वो आप नहीं चाहते हो। इसलिए जो है वर्टिकल स्ट्राइप्स को पूरी तरीके से अवॉइड करो। नाउ नेक्स्ट जो है वो है वियर जैकेट्स। नाउ जैकेट्स बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती हैं, तो ऐसे जैकेट्स पहनो, जैकेट्स आप पे बहुत अच्छी लगेंगी। और जब आप उसको लेयर करोगे, जब आप कोई भी चीज़ को लेयर करोगे अपने ऊपर, तो आप ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगोगे। लेकिन जैसे आप लेयर करोगे, तो जैसे आप ज़्यादा जो है बल्की लगोगे, ज़्यादा थोड़े ब्रॉड लगोगे, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा पतले नहीं लगोगे और आप ज़्यादा स्टाइलिश लगोगे। नेक्स्ट टिप जो आती है वह जीन्स को लेके। तो जीन्स जो हैं बहुत सारे जो होते हैं वो लोग बैगी जीन्स पहनते हैं, जैसे बैगी शर्ट्स पहनते हैं, तो यानी कि अपने से बड़े साइज़ वाली जीन्स पहनते हैं या फिर ऐसी जीन्स पहनते हैं जो नैरो फिट नहीं होती, जो स्ट्रेट फिट होती हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब उल्टे और ज़्यादा पतले लगते हैं उन जीन्स के अंदर, तो आप वो मत पहनो। ऐसा मत सोचो कि अगर मैं थोड़ी ब्रॉड जीन्स पहनूंगा तो मैं भी थोड़ा ब्रॉड लगूंगा, ऐसा नहीं होगा, आप और ज़्यादा पतले लगोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम स्किनी जीन्स पहनो, स्किनी जीन्स उन पे ही अच्छी लगती है जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी होती है, जिनके बहुत अच्छे अच्छे मसल्स होते हैं, उन पे स्किनी फिट जीन्स अच्छी लगती हैं। आप जो है वो स्लिम फिट, नैरो फिट जो होता है वो पहनो, वो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है वियर लाइट कलर्स। लाइट कलर्स जो होते हैं वो ऐसे ही विजुअली अपने आप को जो आपको थोड़े ज़्यादा ब्रॉड बताते हैं, थोड़े ज़्यादा बल्कि बताते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बताते हैं, तो इसीलिए आप जो है लाइट कलर्स पहनो। लाइट अब वाइट, लाइट ग्रे, ऐसे कलर्स पहनो, ये आपको ज़्यादा जो है ब्रॉड, ज़्यादा बल्कि और कम थिन दिखाएंगे। नेक्स्ट जो है वियर वॉचेज और ब्रेसलेट्स। मतलब जो आप ऐसा अगर कुछ एलिमेंट ऐड करते हो तो आपकी आर्म्स को वो ज़्यादा बल्कि दिखाता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाता है, तो आप वही चाहते हो। नेक्स्ट जो है वो है वियर हैनलीज। हैनलीज पहनो, हैनलीज एक तरह की टी शर्ट होती हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे, वैसी शर्ट्स पहनो, ये आपको ज़्यादा ऊपर से ब्रॉड दिखाती हैं, थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर दिखाती हैं, और आप पे जो स्किनी लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड फाइनल एंड लास्ट टिप है डोंट वियर टैंक टॉप्स। टैंक टॉप्स मत पहनो। टैंक टॉप्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है, तो फिर ऐसे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल मत पहनो, ये आप पे नहीं अच्छे लगेंगे, चाहे आप, क्योंकि आप आगे बहुत पतले हो, और अगर आप अपनी जो है आर्म्स एक्सपोज कर रहे हो, अपने शोल्डर्स को एक्सपोज कर रहे हो, तो आप और ज़्यादा पतले लगोगे। तो ऐसा जिम विम में भी अगर जा रहे हो तो ये मत पहनो, इससे अच्छा कोई टी शर्ट पहन लो, एक प्लेन टी शर्ट, इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगेगी। तो यही थी मेरी सारी टिप्स, एकदम फटाफट मैंने बता दी, सारा वीडियो ख़त्म हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।